मम्मा आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ अखरोट की चटनी। अच्छा। तो जो अखरोट हैं ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए भी, हेयर्स के लिए भी। इससे स्ट्रेस दूर होता है और प्लस में जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके लिए सही रहते हैं, वेट लॉस करने के लिए भी खाए जा सकते हैं। और दूसरा, इनकी हड्डियाँ कमजोर होती हैं और दांतों के लिए भी बेहतर है ये, कमर दर्द वगैरह, घुटने दर्द के लिए। और चटनी इसलिए बना रहे हैं, कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमसे हम अखरोट कैसे खाएं, हमसे खाए नहीं जाते, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि चटनी बना के खाएं ये, तो ये बेहतर रहेगी। तो ठीक डेली है। इसको एज ए डाइट में इसको यूज कर सकते हैं हम। तो अच्छा। इसके लिए मैंने 5 अखरोट ली हैं, 5-7 पत्ते तो इसके पुदीने के, और थोड़े से मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, आधा नींबू, एक हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च। ठीक है तो चटनी बहुत अच्छी रहती है ये। ठीक है। तो वाह, इसको क्या हाँ, ग्राइंड करोगे? इसको मैं ग्राइंड करूंगी। सब इसमें डाल दिए, पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये थोड़ा सा हरा धनिया है, नमक हम एज पर टेस्ट डालेंगे, एक बार थोड़ा ही डालेंगे, ऊपर से डाल सकते हैं हम थोड़ी सी काली मिर्च। इसको हम एज ए डिप भी यूज कर सकते हैं, तो मम्मी क्या इसमें लाल मिर्च डालें या नहीं? ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल लें, ना डालें तो ना ही डालें। बुजुर्ग हैं जिनके दांत नहीं है वो खाते हैं, तो बच्चे भी यूज कर सकते हैं। तो काली मिर्च और हरी मिर्च डल के इसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा। अब मैं नींबू निचोड़ रही हूँ इसमें। इसमें क्या इमली डल सकती है? इमली डल सकती है लेकिन इमली का टेस्ट फिर ज्यादा खट्टी हो जाएगी, इतना अच्छा नहीं आएगा, नींबू बेटर रहेगा। नींबू बेटर है। ठीक है। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं और इसको मैं अब ग्राइंड कर लूंगी। चटनी हमारी रेडी हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये क्या हमने बिल्कुल पतली रखनी है चटनी? नहीं, सेमी सॉलिड। ठीक है। तो ये चटनी हमारी बनके तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दूसरा ये हेल्दी बहुत है क्योंकि इसमें अखरोट डला हुआ है। और जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो अखरोट नहीं खा सकते, तो चटनी का जो फ्लेवर है वो अपने आप में ही औसम है। और इसमें तुलसी डली हुई है तो वैसे भी काफ़ी मतलब लाभदायक है ये। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और एक बार जरूर बना के देखिए। और बहुत इजी रेसिपी है। और आपको रेसिपी कैसी लगी आप जरूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।